बॉलीवुड इन दिनों हिट मूवी के लिए कम और नेपोटिज्म के लिए ज्यादा जाना जाता है, क्योंकि एक बार जिसने बॉलीवुड में अपने पांव जमा लिए तो फिर उसके बाद वो धीरे धीरे अपने पूरे परिवार को बॉलीवुड में ले आता है। लेकिन वही कुछ केस में बिल्कुल उल्टा हो जाता है, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि आज हम आपको बॉलीवुड की कुछ ऐसी हॉट एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी अदाओं से करोड़ों लोगों का दिल जीता और वो मुकाम हासिल किया जो हर एक एक्ट्रेस करना चाहती है। उनकी बहनें अपॉर्चुनिटी के चलते बॉलीवुड में आ तो गई, लेकिन अपनी बहनों की तरह वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखें। तो इस लिस्ट में नंबर वन पर है कैटरीना और इसाबेल कैफ। कैटरीना बॉलीवुड की एक सफल और खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक है और आज बॉलीवुड का हर एक एक्टर कैटरीना के साथ काम करना चाहता है। तो वहीं दूसरी ओर उनकी बहन इसाबेल कुछ साल पहले बॉलीवुड में आई थी। इसाबेल ने 23 साल की उम्र में फिल्म डॉक्टर कैबी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जो कि 2014 में रिलीज हुई थी और ये एक फ्लॉप मूवी साबित हुई। इसके बाद इन्होंने पुलकित सम्राट के साथ सुस्वागतम खुशामदी मूवी की और ये भी फ्लॉप मूवी ही रही। इसके अलावा इसाबेल ने क्वाथा और टाइम टू डांस जैसी मूवी भी की और अनफॉर्चुनेटली ये मूवीज भी चल नहीं पाई और इस तरह ये एक फ्लॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल हो गई। नंबर टू, मलाइका और अमृता अरोड़ा। अनारकली, डिस्को चली और मुन्नी बदनाम जैसे हिट सॉन्ग करने वाली मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड में आइटम सॉन्ग्स के लिए काफी पॉपुलर है। हालांकि मलाइका ने ज्यादा फिल्में तो नहीं की, लेकिन फिर भी उनके डांस और फिटनेस के चलते आज ये लाखों दिलों की धड़कन बनी हुई है। वहीं बात करें इनकी बहन अमृता अरोड़ा की, तो ये अपनी बहन की तरह नाम और शोहरत नहीं कमा पाई। इनकी बेकार एक्टिंग लोग ज्यादा दिनों तक झेल नहीं पाए, इस वजह से ये ना तो अच्छी एक्टर बन पाई और ना ही अपनी बहन की तरह एक अच्छी डांसर। आपको बता दें कि अमृता ने गोलमाल और कमबख्त इश्क जैसी हिट फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन अफसोस इन्हें फिर भी कोई खास पहचान मिल नहीं पाई। नंबर थ्री, कृति सनन और नुपुर सनन। कृति सनन के फादर एक डॉक्टर हैं और उनकी मदर हाउसवाइफ है। कृति की फैमिली में दूर दूर तक कोई भी बॉलीवुड में नहीं है। इसके बाद भी कृति आज बॉलीवुड की एक सफल एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल है और कृति ने कई हिट मूवीज में काम भी किया है, लेकिन उनकी बहन नुपुर सनन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। नुपुर के पास बॉलीवुड में आने की एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है उनकी बहन, लेकिन फिर भी अभी तक उन्हें किसी भी प्रोड्यूसर ने फिल्मों में ब्रेक नहीं दिया। बट नुपुर अभी तक अक्षय कुमार के साथ दो हिट सॉन्ग्स दे चुकी है, फिलहाल और फिलहाल टू, और शायद इन फ्यूचर नुपुर बहुत जल्द बड़े पर्दे पर भी दिखाई दे सकती है। नंबर फोर, शिल्पा शेट्टी और समिता शेट्टी। शिल्पा बॉलीवुड की फिट एंड हॉट एक्ट्रेस है। शिल्पा ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी है। दूसरी तरफ शिल्पा की बहन समिता शेट्टी, जिसने अपने पूरे फिल्मी करियर में 3 या 4 ही मूवी की है, जो कि सभी फ्लॉप रही। इसके अलावा समिता कई रियलिटी शो में भी देखने को मिली, लेकिन यहाँ भी ये सक्सेस नहीं हो पाई। समिता शेट्टी मेरे यार की शादी और मोहब्बतें जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज में काम कर चुकी है, लेकिन फिर भी आज समिता को लोग उनके नाम से कम और उनकी बहन शिल्पा शेट्टी के नाम से ज्यादा जानते हैं। नंबर फाइव, ट्विंकल खन्ना और रिंकी खन्ना। ट्विंकल ने अपने फिल्मी करियर में ज्यादातर फिल्में फ्लॉप ही दी है, लेकिन बरसात और मेला जैसी सुपरहिट फिल्में करने के बाद ट्विंकल रातों रात स्टार बन गई थी और बॉलीवुड में एक अपनी अलग पहचान बनाई। फिर सन 2001 में ट्विंकल ने अक्षय कुमार से शादी करने के बाद फिल्मों से दूरी बना ली थी। बात करें ट्विंकल की बहन रिंकी खन्ना की, तो रिंकी कई फिल्मों में काम कर चुकी है। जिस देश में गंगा बहती है और मुझे कुछ कहना है जैसी फिल्में रिंकी खन्ना कर चुकी है, बट ये बॉलीवुड में बाकी एक्ट्रेस की तरह नाम और शोहरत नहीं कमा पाई। जहां इनके माता पिता राजेश खन्ना और डिंपल कबाड़िया से लेकर जीजा अक्षय कुमार और बहन ट्विंकल खन्ना सभी एक सफल एक्टर और एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल है, तो वहीं दूसरी ओर रिंकी खन्ना एक फ्लॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल है। नंबर सिक्स, प्रियंका और प्रीनीति चोपड़ा। मिस वर्ल्ड रह चुकी प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड से हॉलीवुड तक का सफर तय कर चुकी है। वहीं दूसरी ओर उनकी बहन प्रीनीति चोपड़ा, जो कि बस शुरुआत की दो फिल्में हिट देने के बाद अब सिर्फ फ्लॉप फिल्मों में ही नजर आती है। प्रीनीति के पास खुद तो कोई हुनर नहीं है, बट फिर भी ये पॉपुलर रियलिटी शो हुनरबाज में बतौर जज दिखाई दे रही है। नंबर सेवन पर है श्रुति और अक्षरा हसन। श्रुति हसन ने साउथ और बॉलीवुड दोनों इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में भी दी है, लेकिन वहीं इनकी बहन अक्षरा इनके बिल्कुल अपोजिट है।
अक्षरा हसन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ भी काम कर चुकी है, बट फिर भी इन्हें वो पहचान नहीं मिली जो इनकी बहन श्रुति हसन और पिता कमल हसन को मिली। अक्षरा हसन की लाइफ में उतार तो काफी देखने को मिले लेकिन चढ़ाव एक भी नहीं, जिससे ये भी एक फ्लॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल होती है। नंबर 8 काजोल और तनिषा मुखर्जी। काजोल 90s की एक जानी मानी एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट के बलबूते पर वो सब हासिल किया जो आज हर एक एक्ट्रेस पाना चाहती है। काजोल ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग की कला से लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता है। वहीं बात करें काजोल की बहन तनिषा की, तो तनिषा 1, 2, 3 और सरकार जैसी फिल्मों में अपनी भूमिका निभा चुकी है, बट इनकी बकवास एक्टिंग के चलते इन्हें कुछ ज्यादा फिल्में नहीं मिली। तनिषा ने हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम सभी भाषाओं में फिल्में की, लेकिन वहाँ भी इनका कुछ नहीं हुआ, तो फाइनली इन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। फिर तनिषा बिग बॉस 7 में दिखाई दी और फिनाले राउंड तक पहुँच भी गई थी, लेकिन बिग बॉस 7 की विनर थी गोहर खान और ये बस रनर अप बनकर ही रह गई थी। और फिर इसके बाद इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ खास नहीं उखाड़ा, जिसके बाद इनके करियर पर एक फ्लॉप एक्ट्रेस का दाग लग गया। तो फ्रेंड्स, ये थी बॉलीवुड की कुछ सफल एक्ट्रेस की फ्लॉप बहने। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।